subscribe to our channel by clicking the subscribe button. Click the bell button and enjoy the latest uploads from our channel. Assalamu alaikum nazreen, aapko aapke apne channel mein welcome kehti hoon. Nazreen, ek afsosnak khabar aapko dene ja rahi hoon जो कि आमिर लियाकत के मुतालिक है. जी हाँ नाज़रीन, हैरान कुन इंकशाफ हुआ कि आमिर लियाकत के घर में किस चीज़ का धुआं फैला हुआ था. वीडियो का आगाज़ करती हूँ. नाज़रीन, रुकन कौमी असम्बली आमिर लियाकत हुसैन कराची में इंतकाल कर गए हैं. जी हाँ नाज़रीन, अस्पताल ज़राए के मुताबिक डॉक्टर्स का कहना है कि आमिर लियाकत को मुर्दा हालत में अस्पताल लाया गया. आमिर लियाकत के ड्राइवर ने पुलिस को तबीयत खराबी की इतला दी और बताया कि इनके कमरे से गुज़िश्ता रोज चीखने की आवाजें भी आईं. पुलिस के मुताबिक आमिर लियाकत के घर बिजली नहीं थी जिसकी वजह से जनरेटर चल रहा था और घर में जनरेटर का धुआं फैला हुआ था. रात के मुताबिक आमिर लियाकत हुसैन के कमरे का दरवाजा बंद था जिसे घर के मुलाजमीन काफी देर से खटखटा रहे थे. मुलाजिम ने बताया कि आमिर लियाकत की गुज़िश्ता रात तबीयत खराब हुई थी, उनके दिल में तकलीफ हो रही थी. इन्हें अस्पताल जाने का कहा गया लेकिन उन्होंने इनकार कर दिया. ज़राए के मुताबिक आमिर लियाकत हुसैन को इनके घर खुदादाद कॉलोनी से एम्बुलेंस के जरिए अस्पताल मुंतकिल किया गया था. नाज़रीन, पुलिस के मुताबिक आमिर लियाकत की मौत की वजह जानने के लिए इनका पोस्टमार्टम कराया जाएगा जिसके बाद मैयत को गुस्सा के हवाले किया जाएगा. पुलिस का कहना है कि आमिर लियाकत के घर से शवाहिद जमा किए जा रहे हैं और इनके मुलाजमीन और ड्राइवर से बयानात भी लिए जाएंगे. तहम आमिर लियाकत के घर इनके अहले खाना समेत इनकी बेटी दुआ भी पहुँच गयी है. नाज़रीन, वाज़िया रहे कि आमिर लियाकत हुसैन 5 जुलाई 1971 को पैदा हुए. वो 2002 से 2007 तक कौमी असम्बली के मेंबर भी रहे और आमिर लियाकत हुसैन मुशर्रफ दौर में वजीर मुमलिकत भी रहे. 2018 में वो पीटीआई के टिकट पर रुकन कौमी असम्बली मुंतखब हुए और आमिर लियाकत हुसैन पहली बार MQM के टिकट पर रुकन असम्बली मुंतखब हुए थे. ये देखने के लिए हमारे साथ जुड़े रहिएगा. अगली वीडियो में इंशाल्लाह तफसीलात आपको बताई जाएगी और मजीद जानने के लिए हमारे साथ जुड़े रहिएगा. मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़.